वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में और हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 4 के साथ, जहां पर इस सीरीज के हर एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़े ऐसे 5 फैक्ट्स जिनको जानना आप पसंद करोगे अगर आप एक साउथ मूवी लवर हो। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो आप में से अब तक काफी लोगों ने वाडा चेन्नई का हिंदी डब वर्जन यानी कि चेन्नई सेंट्रल को यूट्यूब पर गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के चैनल पर देख ही लिया होगा, पर अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इस नेशनल अवार्ड विनिंग मास्टरपीस फिल्म की खराब डबिंग और तमिल वर्जन से उल्टी कहानी को देखने के बाद आपको ये फिल्म कचरा और मिस्टर मजनू जैसी फिल्म आपको मास्टरपीस लग सकती है। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है हिंदी में तो शुक्रिया, पर फिर भी अगर आपने इस फिल्म को हिंदी में या फिर तमिल में देख लिया है तो आपको याद होगा कि इस फिल्म में एक मुख्य कैरेक्टर था जिसका नाम था राजन। जी हाँ, वही राजन जिसकी कहानी को फिल्म के तमिल वर्जन में एक ट्विस्ट के तौर पर फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है और एक स्पॉइलर के तौर पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन में फिल्म की शुरुआत में। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में इस रोल के लिए यानी कि राजन के रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर यानी कि वेट्री मारन सबसे पहले मास महाराजा रवि तेजा को कास्ट करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा इस फिल्म में राजन के रोल के लिए सबसे पहली पसंद थे डायरेक्टर वेट्री मारन के, पर रवि तेजा के पास टच जैसी चूड़ू और नीला टिकट जैसी फिल्म के कारण इस फिल्म के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था और उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से उन्हें ये फिल्म कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो इस फिल्म में होते तो शायद ऑडियंस अब तक इस फिल्म को भी 100 मिलियन व्यूज दे चुकी होती, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रवि तेजा के नाम पर ऑडियंस कुछ भी देखने को तैयार रहती है। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो हर फिल्म इंडस्ट्री में एक या दो ऐसे एक्टर, डायरेक्टर या फिर कहें प्रोड्यूसर जरूर होते हैं जो हमेशा अपनी फिल्मों में नए टैलेंट को मौका देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करण जौहर की। वही करण जौहर जो हमेशा से अपनी फिल्मों में नए, अच्छा टैलेंटेड भी बोलना पड़ेगा क्या? सॉरी, छोड़िए करण जौहर को साइड में रखते हैं, उनकी बात कभी और करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टॉलीवुड के नेचुरल स्टार नानी की। तो अगर आप में से काफी लोग को पता ही होगा कि 2018 में नेचुरल स्टार नानी ने एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था वॉल पोस्टर सिनेमा, और उन्होंने इस प्रोडक्शन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से स्टार्ट किया था कि वो नए डायरेक्टर्स को मौका दे सके। जहां पर उन्होंने अब तक 2 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जिनमें से एक फिल्म थी 2018 में आई फिल्म ओ और 2019 में आई फिल्म हिट, जहां पर ओ के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और हिट के डायरेक्टर शैलेश, इन दोनों की ही ये पहली फिल्म थी और ये दोनों की ही दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इन दोनों ही फिल्मों के बाद डायरेक्टर्स को अच्छी खासी पहचान भी मिल गई। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तब जानने को मिली जब ये पता चला कि हिट के सीक्वल यानी कि हिट का जो सेकंड पार्ट आने वाला है उस फिल्म को नानी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी, फिर भी नानी उस फिल्म के सेकंड पार्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन कंपनी में हमेशा नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि प्रशांत वर्मा और शैलेश के साथ वो एक एक फिल्म कर चुके हैं और दोनों को उन्होंने पहचान दिलवा दी है, तो अब उनकी जो अगली फिल्म होगी फिर से एक नए डायरेक्टर कुछ नए एक्टर्स के साथ आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो नानी का ये जो डिसीजन है वो सही में काफी कमाल का है, और कहना चाहूंगा अगर नानी ही की तरह बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सोचने लग जाएं तो इंडियन सिनेमा का जो टैलेंट है वो और ज्यादा उभर के सामने आएगा। फैक्ट नंबर 3। वैसे तो आप में से काफी लोगों को याद ही होगा कि साल 2012 में एक तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था मातरन, जिसमें सूर्या हमें दो रोल में नजर आए थे यानी कि डबल रोल में नजर आए थे। बाद में इस फिल्म को तेलुगु में और हिंदी में भी डब करवाया गया था, जहां पर इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का नाम रखा गया था ब्रदर्स। वही फिल्म को नंबर 1 जुड़वा नाम से हिंदी में डब करवाया गया था। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म के तेलुगु वर्जन यानी कि ब्रदर्स के लिए सूर्या ने पहली बार अपने किसी फिल्म के तेलुगु वर्जन में खुद अपनी आवाज दी थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में एक सूर्या के लिए
खुद सूर्या ने अपनी आवाज दी थी। और इसी के साथ एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसी फिल्म में सूर्या का जो दूसरा रोल था उस रोल के लिए सूर्या के खुद के भाई यानी कि कार्ती ने अपनी आवाज दी थी। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया था कि दो रियल लाइफ ब्रदर्स ने फिल्म में रियल लाइफ ब्रदर्स के लिए अपनी आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 4, वैसे अगर आप आज से करीब 20 या 22 साल पीछे जाओगे तो आपको याद होगा कि बॉलीवुड में एक दौर ऐसा चल रहा था जहां पर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स और सिंगर्स की जोड़ियां हमें देखने को और सुनने को मिलती थी। और वो जोड़ियां भी ऐसी कि मानो अगर आप किसी फिल्म को देख रहे हो और उस फिल्म में वही पर्टिकुलर सिंगर उसी पर्टिकुलर एक्टर के लिए गाना गा रहा होता है तो ऐसा लगता था कि मानो वो एक्टर खुद गाना गा रहा है। और इस केस में शाहरुख और अभिजीत की, सलमान खान और SP बालासुब्रमण्यम की जो जोड़ियां थी वो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट हुआ करती थी। पर आज के टाइम में ऐसी जोड़ियों का मिलना नामुमकिन तो नहीं पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। पर क्या आपको पता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ही एक जोड़ी है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और ये जोड़ी है समांता किनेनी और चिन्मय श्रीपदा की। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट के साथ वही लोग थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो साउथ की फिल्मों को ओरिजिनल वर्जन में देखते होंगे। तो आपने अब तक समांता किनेनी की कितनी फिल्में तमिल में या फिर तेलुगु में देखी हैं? 1, 2, 5 या 10? पर क्या आपको पता है कि समांता अकिनेनी की हर दूसरी फिल्म में हमें उनकी जो वॉइस सुनने को मिलती है वो उनकी खुद की आवाज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, समांता की आधे से ज्यादा फिल्मों में उनके लिए चिन्मय श्रीपदा डब करती है। जी हाँ, चाहे फिल्म तमिल हो या तेलुगु हो, समांता अकिनेनी की पहली फिल्म ये माया चेसावे से लेकर रीसेंट फिल्म जानू तक अब तक 15 से भी ज्यादा फिल्मों में समांता अकिनेनी के लिए चिन्मय ने अपनी आवाज दे चुकी हैं। वैसे तो ये जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है, पर फिर भी कुछ बड़ी फिल्मों की अगर बात करें तो अता रेंट की दारिद्री, ओ बेबी, अल्लुडू सीनू, मजली, जानू, डुकड़ू, ब्रह्मोत्सम जैसी ढेर सारी फिल्मों में समांता किनेनी को आवाज दी थी चिन्मय ने। तो कैसा लगता है सुनके कि एक साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए एक साउथ इंडियन फिल्म में एक साउथ इंडियन डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है? वैसे ये कोई बहुत ही बड़ी बात तो है नहीं। आपको बता दूं कि बॉलीवुड में भी कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी वॉइस हमें फिल्मों में नहीं सुनने को मिलती है, उनके लिए भी डब किया जाता है। पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कहें कि स्पेशली तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हमें एक्ट्रेसेस के लिए या फिर कहें हीरोइन के लिए जो आवाज सुनने को मिलती है उनमें 80-90% जो वॉइस होती है वो उनकी खुद की नहीं होती है, वो वॉइस होती है दूसरे वॉइस आर्टिस्ट की। तो इसी फैक्ट के साथ मैं एक और फैक्ट ऐड करना चाहता हूं कि क्योंकि चिन्मय श्रीपदा पहले एक सिंगर है बाद में एक वॉइस आर्टिस्ट है, तो आप अगर थोड़ा गौर से ध्यान दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि समांता किनेनी की आधे से ज्यादा फिल्मों में सिर्फ उन्होंने वॉइस नहीं दिया है, उन्होंने गाना भी गाया है। तो है ना ये कमाल की जोड़ी। फैक्ट नंबर 5, तो समांता किनेनी और चिन्मय की इस कमाल की जोड़ी के बाद आज की इस आखिरी फैक्ट में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कमाल की जोड़ी के बारे में। तो अगर आज की डेट में अगर आपसे कोई अल्लू अर्जुन की हिंदी डब फिल्म के बारे में बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? जी हाँ, संकेत महात्रे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के बीच में अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है उसके पीछे उनकी स्टाइल, उनकी एक्टिंग का जितना बड़ा योगदान है उतना ही बड़ा योगदान है संकेत महात्रे का, जिसने अल्लू अर्जुन की इस पर्सनैलिटी को एक स्टाइलिश वॉइस देने का काम किया। पर क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन के करियर की कुछ ऐसी हिंदी डब फिल्में हैं जैसे कि एक और रक्षक, आर्या 2, बद्रीनाथ, एक और ज्वालामुखी, आर्या जैसी 5 फिल्मों में अल्लू अर्जुन के लिए संकेत मात्रे ने अपनी आवाज नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आर्या और आर्या 2 में अल्लू अर्जुन को वॉइस दी थी दमन सिंह बग्गन ने, वहीं बद्रीनाथ फिल्म में अल्लू अर्जुन को सचिन गोले ने अपनी आवाज दी थी। और तो और एक और रक्षक और एक और ज्वालामुखी में जो उन्हें आवाज दी गई है वो कौन सा वॉइस आर्टिस्ट है इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब जब अल्लू अर्जुन को दमन सिंह बग्गन या फिर सचिन गोले ने अपनी आवाज दी है
तब ये इन दोनों की वॉइस भी अल्लू अर्जुन पर काफी ज्यादा सूट करती है। तो अल्लू अर्जुन की अपकमिंग हिंदी डब फिल्म है अला वैकुंठा पुरमलो, जिसकी हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स ने। तो कैसा लगेगा अगर आपको ये सुनने को मिले कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के लिए संकेत मात्रे डब नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से संकेत मात्रे ने गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स की किसी भी फिल्म में अपनी आवाज नहीं दी है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, और आपको क्या लगता है कि अगर संकेत मात्रे नहीं होते हैं तो ऐसा कौन सा वॉइस आर्टिस्ट है जिसकी आवाज अल्लू अर्जुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। अगर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही साउथ और हिंदी फिल्मों से जुड़े वीडियोस, रिव्यूज और न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।